एक्टर बहुत सारे। अच्छा बात है, तो ये बात शायद किसी को पता नहीं है। हाँ, अच्छा बता दे। और पहला मतलब बहुत बड़ा फेलियर रहा है, नेट मोमेंट पे लेफ्ट राइट खेल दिया। वो उनसे बात कर रहे थे क्या? वो आ गया कि मैं क्या बोलूं। कैसा लग रहा है आपको 10 लाख रुपए मार के मैडम के साथ पहली डेट? आपको तो हेलो चीतो, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज ये व्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग डे की शुरुआत होने वाली है। सो इस अमेजिंग व्लॉग के लिए तैयार हो जाओ। आज SATL का एक शूट होने वाला है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता होगा जो मेरा स्ट्रीम देखते हैं कि वो रहेगा शूट करवा रहे हैं SATL का। एंड बहुत सारे लोग आने वाले, जैसे बिंग्स भी आने वाला है, जोकर भी आने वाला है, काशी भी आने वाली है, आई गेस मिली भी आने वाली है, एंड बाकी सब शायद गेमिंग हाउस वाले ही हैं, गेमिंग हाउस से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। सो आज जब इतने सारे लोग आने वाले हैं, तो मुझे ये हुआ कि क्यों आज एकदम से मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि क्यों ना आज व्लॉग बनाया जाए यार मांबा। सो मैं अभी कुछ देर पहले उठा, रेगा ने आके उठाया हम सब लोगों को। उठते ही मेरे दिल में ये चीज हुई यार कि यार मांबा आज व्लॉग बनाने का मन कर रहा है। एंड क्योंकि तुम लोगों को व्लॉग बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं पूरा रेडी होके बिल्कुल व्लॉग बनाने के लिए आज रेडी हूँ। एंड आज मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि व्हाई नॉट व्लॉग में एक चीज स्टार्ट करी जाए तुम लोगों के लिए। तो ये छोटी सी प्यारी सी चीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं व्लॉग में, एंड हर कुछ दिन में एक व्लॉग में वील डू दिस थिंग। आज देखना कैसा लगा, प्यारा लगा या नहीं लगा, ये सब तुम लोगों के ऊपर है और बताऊंगा नहीं ज्यादा। देखना व्लॉग, लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। 3 बज गया है दिन का। लड़के ने पूछा कितने लोग आ गए हैं शूट के, मैंने बताया कि इतने लोग आ गए हैं, एंड कुछ लोग ऐसे जिनके आते में टाइम आने की वजह से टाइम से शूट स्टार्ट नहीं हो सकता, तो दोबारा सोने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सुबह 9:30 बजे तक अपने बिस्तर पे भी नहीं था। मैं सो लिया था ना, मैं तो स्ट्रीम नहीं किया। तो मैं चिल कर ऊपर कितना ऊपर नहीं, आप अपने केबिन में भी नहीं थे। I was walking on the terrace, you know? बारिश का मौसम था यार, थोड़ा एंजॉय कर रहा था। किनसे? उनसे। अरे मतलब लाइक लाइफ टॉक्स विद फ्रेंड्स। उनसे? तो मतलब आई वाज नॉट रॉन्ग। आप मम्मी का नंबर डाल के? ना नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, सच में मम्मी का नंबर है यार, कम ऑन यार। हर किसी के नाम के बाद ना एक इमोट है मेरे पास। ठीक है, ऐसे मॉम के बाद एक क्राउन वाला है, तुम्हारे बाद एक सांप वाला है, ठीक है, रेवा के बाद एक पांडा वाला है, और उनके नाम के आगे, उनके आगे भी सांप वाला है। शूट हो गया। ये आते ही ये रशियन आमलेट है, इसमें क्या रशियन गिरी है? समय पे मैंने गरम किया कांदा टमाटर और उसके बाद इसमें लपेट दिया। कहाँ गया, घूम रहे हो कहाँ का हूँ यार? हम तो यही है यार, तुम लोग आते ही नहीं हो यार, सिर्फ शूट के बहाने आते हो, मिलने के बहाने आया करो कि आज दिल कर रहा है SATL जाए। घर का इतना वो आ गया कि मैं क्या बोलूं। कैसा लग रहा है आपको अपनी बीवी का के हक का 10 लाख रुपए मार के? उसने ऑलरेडी लिख दिया है क्या नोट, अभी जो भी शॉपिंग वॉपिंग होगा उसमें से माइनस होगा। कल जो चढ़ाया मैंने सोचा एक बार पिंकी जो है गुस्सा हो जाए यार, कैसे मैं सब बोल रहा था कि क्रिश्चियन डियोर और ये और वो, कि भाई पिंकी किसी तरीके से जो है उसने नोट पे लिखा है, लेके चला जाए उसको एक बार, उसको एक बार ले। उसके बर्थडे कब आती है? 8 तो टाइम है। और तुम्हारी एनिवर्सरी? 26। कौन सा 26? नवंबर। 26 नवंबर, अच्छा। और पहली डेट? मेरे को मालूम था इसलिए सब पूछ रहे, बाकी कुछ याद नहीं है। एंगेजमेंट भी याद नहीं है। ओ सच्ची, शादी याद है बस, एंगेजमेंट भी याद नहीं है साले। कौन सा? आई थिंक जैन था। जैन था, जैन 23rd या 25th। प्रपोज किस दिन किया था, किस डेट को किया था प्रपोज? तो साले ब्लॉग बना दिया, भूल मत जाइयो। पहला ये न्यू ईयर। कौन सी डेट को? 23rd सितंबर। देख तो देख, सिर्फ एक ही याद करना है मेरे को, 5-6 डेट याद करना है क्या? देख भाई, शादी के बाद डेट्स बढ़ जाते हैं यार। 23rd सितंबर को बात करना चालू किया था, 25th दिसंबर को फर्स्ट डेट। अच्छा, तो मतलब इतना टाइम लगाया आपने? हाँ, डिसाइड कर रहे थे क्या? मैंने नहीं, गुड इनफ और नॉट? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, क्या बात है यार, क्या लग रही है आप यार, लोग देसी स्टाइल में अमेजिंग लगते हैं ऑब्वियसली। ये दो चॉइसेस में मैंने ये वाला चूज करा है इस शूट के लिए, ज्यादा नहीं नहीं नहीं, ये ज्यादा अच्छा कैमरे में उठेगा। मेरा एक वीडियो था कॉलेज वाला, हाँ हाँ, हम सबने ज्योतिष से बोलवाया था कि क्या है, हाँ, तो धीरज भाई ने फुटेज अपना खुद का कट करके भेजा है मुझे। अच्छा, आजकल ऑब्सेस्ड है ना, अपना कट कर दिया, क्यों? काफी चीज बोली थी। अच्छा, अरे भाई कोई पीसी स्टार्ट करो, 5M खोलो, माफिया कॉल करो, क्योंकि बाहर तो नहीं उठा रहा है वो कॉल।
नहीं उठा रहा है माफिया कॉल। जोगी ये बनाया मैंने यहाँ, चल चल ठीक है, मैंने बनाया यहाँ, नहीं नहीं सॉरी मैंने बनाया यहाँ, चल बाबू रुको। ओह माय गॉड, अब ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है। अब जाएगा ही, हो गया ड्रॉ, क्या देख रहे हैं? अब तो ड्रॉ हो गया, तो हो गया। नाउ इट्स अ ड्रॉ, नहीं हो जाते हैं अगर मतलब कोई अगर थोड़ा सा प्लॉट लूज कर गया तो मैं पर्ची रखता हूँ। ठीक है ठीक है। एम आर के, अब आप ये बताओ कौन से नंबर पे किसका फोन है, बताओ। इसमें एक मेरा रेगा का है, काशवी का फोन है गाइस, तीनों सेम है। ठीक है, थ्री बोला है, थ्री काशवी बोल रही है, थ्री थ्री के। हाँ रेगा का कौन सा नंबर वाला है, वन या टू? ये मतलब वन 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 आर। ठीक है, टू हो गया, टू एम। ठीक है, ये मेरा थ्री एम, थ्री एम या थ्री एम, ये मेरा है थ्री एम। ठीक है, ये वाला, ये 2K एंड 1R, 2K 1R। ठीक है, अब बताता हूँ, थर्ड मेरा है। ठीक है ठीक है, कैसे पहला आपका है, दूसरा काशवी का है। ये मैं इसलिए जा रहा हूँ, फोन की कंडीशन देख के, आपका कैमरा साफ है तो आपने कवर में रखा होगा शायद। मेरा लॉजिक ये था, मैंने कवर अभी हटाया इसलिए मेरे हाथ पड़ गया होगा उसमें। दिखाओ, ये तो मेरा है। देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था वन रहेगा। ठीक है ठीक है, वन रहेगा। ये कौन है, मामा है, और ये क्या है? अरे तो ये 2M हुआ, 2M किसका सही है? टू एम, और ये क्या था, 3K, 3K वाला कोई है क्या? अरे यार वो ये भी 3K से जीत गई, ये तो पूरा ही जीत गई 3K, 2M ये तो पूरा ही जीत गई, पूरा जीत गई। ये तो चीटिंग है यार, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा तो सब सही, एक सेकंड एक कंटेंट हुआ है। क्या है मेरा, मेरा सब सही है। हाँ क्या मिलेगा आपको, फोन वापस मिलेगा? यस, ये किसी के फोन में कुछ तो लग गया भाई, कैमरा साफ करना अपना बैठ के। ये आपका टूटा हुआ है ना, रख लीजिए, थैंक यू। टूटा हुआ नहीं है, सॉरी इतना सारा लग गया। सो रात के 2:30 बज गए हैं और गाइज हम लोग निकल रहे हैं अपना रात में इडली डोसा, वाशी ब्रिज जा रहे हैं हम लोग, जो हमारा ऑल टाइम फेवरेट लेट नाइट गो टू प्लेस है विद वन एंड ओनली मिस्टर उमंग। हेलो गाइज, जिनके बिना हम कहीं जाते नहीं है। yes. एंड मिस्टर रिगेल, अरे थैंक यू, एंड मिस्टर मयंक, एंड दो और लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो है मिस्टर माफिया। दोनों उसमें से एक दो पैल जुड़े हुए हैं। अच्छा हाँ, एक माफिया जोड़ रहे हैं, अमन जोड़ रहे हैं और आदि जोड़ रहे हैं। अमन और आदि आ रहे हैं अमन की बाइक पे, और माफिया माफिया अभी आ रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। उनको कॉल किया था, उनको अभी कॉल करोगे बोलोगे बोलेंगे वो आ रहे हैं, सिचुएशन में हूँ। माफिया बोला अंगड़ा ले रहा था लिफ्ट में, अटक गया ऊपर, अटक गया है। तो गलत बात है यार, तुम सेम ही तरीके से हो यार माफिया के, तुम बॉडी शेमिंग दे रहे हो यार, सॉरी। हॉल पे टेबल फूक रहा है, हॉल समझ गया, हॉल में एक बात बता, तूने जो व्हाट्सएप पे पिंक 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 डीपी लगा रखी है, क्या चाहते हैं आप? आ गया वो तो मैं माफिया को आरपी के अंदर बोल दिया भाई। क्या कैसा लग रहा है गाड़ी में, देखो कैसा लग रहा है, ओके यार बस स्टीयरिंग व्हील, पहली बार हाथ से देख रहे हैं, आग से देख रहे हैं, भाई ट्रंक में सामान रख दिया सब। तो गाइस हमारे वेलकम टू आर न्यू शो, एक छोटा सा हमारा न्यू शो है जिसमें आज के हमारे ऑडियंस जो है मिस्टर वन एंड ओनली मिस्टर ज़ेरेफ, मिस्टर माफिया, मिस्टर अमन, और आज के हमारे गेस्ट एस्टीम्ड गेस्ट मिस्टर सोल रेगल्टॉस। आपको अगर और एपिसोड्स चाहिए होंगे तो आप जरूर बताइएगा, हम इसको और जो ऐसे कंटिन्यू करेंगे, लास्ट में डिसाइड करेंगे कि अगला गेस्ट कौन होगा, फिर उसके बाद आपको बताएंगे।
तो मिस्टर एस्टीम गेस्ट, ये हमारा छोटा सा एक शो है जिसका नाम है चाय पे चर्चा। अरे थैंक यू, कम से कम 10 जगहों पे और है, लेकिन भाई चाय पे बात कर रहे तो और क्या नाम दूं चाय पे बात। इसमें क्या होता है मिस्टर रेगल्टॉस, जो हमारे एस्टीम गेस्ट होते हैं उनसे हम कुछ सवाल पूछते हैं ऐसे ही, ताकि हम पूछेंगे अब से और मतलब जो अभी रिसेंट उनका लाइफ में चल रहा है ये वो। तो मेरा पहला सवाल आपसे मतलब करंट अफेयर्स में, ठीक है, करंट है आपका BGMI या। तो सबसे पहला सवाल है कि ई-स्पोर्ट्स में आप इतने दिन बाद जो आप आए, आपने पूरी मेहनत करी, आपने टीम ढूंढी, आपने ऑफिशियल के लिए ट्राई करा, आपने सब कुछ करा, तो ये आपको ये जो जर्नी अभी तो आपकी जो है एक बहुत ही अनकन्वेंशनल वे में जो है एंड हो गई, तो आपको कैसा लगा ये? भाई ऑब्वियसली यार बहुत 3 साल बाद खेल रहे थे हम ऑफिशियल, और पहला मतलब बहुत बड़ा फेलियर रहा है। हाँ, अच्छा आपको ये फेलियर लगता है? हाँ फेलियर मतलब वो बोलेंगे ना सीख रहा हूँ, तो अभी सीख ही रहा हूँ, तो आ रहा नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम सीख के कुछ करूँगा। पहली बात तो टीम की थोड़ी सी मेरी लेफ्ट आउट हो गई, गलत थोड़ा हो गया, क्यों मतलब बहुत मेजर 6-man लाइनअप था, उसमें 2 players ने एंड मोमेंट पे लेफ्ट राइट कर दिया, तो प्लेइंग फॉर कोई और रखना पड़ा। उसके बाद भी बीटी हो गई, तो इसलिए नेक्स्ट बार टीम जो ऐसी रखूँ जो प्रॉपर फॉर्म अच्छे से ढूंढी जाएगी। ठीक है, करेक्ट। BMPS में आपके साथ मतलब आपको क्या लगता है कि मिस्टेक क्या हुई, मतलब बेसिकली इंडिविजुअल मिस्टेक थी जिसकी वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाए? इंडिविजुअल मिस्टेक भाई, मेरा रोल तो देखो शोल्डर का है, मुझे आईजल करना पड़ा, क्योंकि आईजल का डिवाइस का इशू था, वो खेल ही नहीं सकते थे, मैं वैसा खेल नहीं पाया फ्रीली, जो टीममेट से वो पहले नॉक खा जा रहे थे कभी कभी, तो उसके बाद फिर चांस नहीं मिलता था, या फिर ऐसी पोजीशन में थे कि कुछ करने को मौका नहीं था। तो मैं और सेफ भी खेल सकता था, ओवर पिक ना करके वही ओवर पिक हो सकता है। तीसरा सवाल जो कि मेरे को बहुत ज़रूरी है, मैंने मतलब अपने बहुत ही सोच समझ के मैंने ये लिखा था कि ये जो पबजी के टाइम का जो ई-स्पोर्ट्स होता था और BGMI के आज के टाइम का जो ई-स्पोर्ट्स चल रहा है, इन दोनों में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा? पबजी के टाइम पे जो ई-स्पोर्ट्स चलता था भाई, पबजी के टाइम पे आई थिंक जब चलता था तो वहाँ पे मेटा चेंज होते रहते थे, कि आज DMR का मेटा है, तो आज स्प्रे का मेटा है, स्नाइपर का मेटा है, तो वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता था, और जोन मेटा भी चेंज होता था। अभी क्या है ना, अभी वेट करते हैं लोग कि अब मेटा चेंज कब होगा, तो वो सेम स्किल सेट, तो उस टाइम ऐसा था ना कि कोई प्लेयर आना चाहेगा ना तो वो आ सकता था। अभी क्या है ना, अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी और मेटा चेंज हो तो फिर बोर भी हो जाता है, बोर भी हो जाता है, तो फिर एक वो है सेकंड हैकर बहुत सारे, मतलब बहुत ही सारे, अभी भी एक प्लेयर था जो BMPS में शायद नाम पड़ा, मैं ट्विटर पे देखा था, तो ये हैकर एक बहुत ज्यादा बड़े रीजन है। हां, क्योंकि रेगा का ट्रांजिशन एक होता है, तो मतलब पबजी के बाद डायरेक्ट BGMI भी खेला था मैंने, अमन ने टीम बना के डब्ल्यू जो थी, अच्छा माफिया, उसमें कितने हैकर कितने थे, 4 मैच खेले थे हम लोग, खेले। अच्छा मैं बता, तो ये बात शायद किसी को पता नहीं है, अच्छा हमने BGS भी खेला है, मैंने BGMI भी ट्राई किया है, और मैंने BMPS में ऑफिशियली ट्राई किया, बट BGS में जब ट्राई किया था तो क्लासिक के स्टार्टिंग के सारे मैचेस हैकर, अच्छा तो हमें वो ड्रॉप करना पड़ा। अच्छा BGMS में भी मेरे 3 मैच में हैकर, दो बैन भी हुआ है, बट फिर भी खेल रहे हैं वो हैकर थे, बार से BGMS में ये हुआ था। अच्छा ये बात मुझे नहीं पता थी, ये वाला जो आपने बताया, तो कि आपने ये सब खेला हुआ है, ऐसे मिस हो जाती हैं, तो प्रैक्टिस वैसे छूट जाती है, क्योंकि फिर स्क्रिम्स लेना, किसी का खेलना कुछ पता नहीं, टीम्स कब क्या बन रही है, तो एक बहुत वो है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल ये है कि आपका जो भी आपने बोला कि थोड़ा सा फेलियर हो गया अटेम्प्ट में ये वो, उसके बाद आपको नेगेटिविटी तो बहुत सारी आई होगी, तो आपका ट्राई तो आपकी तरफ से पूरा लेजिट था, आप अच्छा ही करना चाहते थे, तो नेगेटिविटी की तरफ आपका पर्सपेक्टिव क्या था? यार नेगेटिविटी के लिए पर्सपेक्टिव ये था कि अब इतना फेम है या इतना कुछ भी है, जो भी थोड़ा बहुत भी फेम, अगर इतना छोटा बहुत हटा जो भी है, तो हेट आने कन्फर्म है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आएगा, अगर मैं जीत भी जाता, बाय चांस बोल रहा हूँ 0.000 किटानों वाला चांस भी लेना, जीत भी जाता तब भी कोई ना कोई हेट दे ही रहा होगा, तो हम सबको खुश नहीं कर सकते, और पहली बात जो दे रहे हैं वो फेसलेस है, वो नेमलेस है, तो उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता, वही करें जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। शायद मैं बहुत ऐसी चीज़ों के लिए भी गाली खा रहा हूँ जो मैंने करा भी नहीं, ये बात तो है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी फैंस से, मतलब फैंस से, जिन फैंस में भी बहुत सारे लोग होंगे आपको मतलब नाराजगी में हेट कमेंट दे रहे होंगे, आपने उनसे एक्सपेक्ट क्या किया था आफ्टर द फॉल ऑफ योर टीम इन BMPS? मैंने किसी ने नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो उनकी मेरे से एक्सपेक्टेशन थी कि मैं खेलूँगा, तो मैं उनको सॉरी बोल दिया था स्ट्रीम पे, मतलब फिर भी अब यूट्यूब पे नहीं करा है, तो उनको तो सॉरी है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करते नहीं, अब जब हो जाए सब हो जाए। करेक्ट, अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये आपका लास्ट ट्राई था, आपका आगे का प्लान क्या है ई-स्पोर्ट और कंटेंट में? कंटेंट तो अपना खेलते तो रहेंगे, वो कंटेंट ही बन जाएगा अपने आप, ई-स्पोर्ट्स में खेलते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे। अब आप स्टेप डाउन नहीं करेंगे? नहीं, स्टेप डाउन का पॉइंट नहीं है, अब आप हैं फुल ऑन। हाँ, आप ट्राई अंटिल यू सक्सीड वाले मोड में? वो सक्सीड भी नहीं, ट्राई उसका आप सोच के करूँगा तो फिर कभी हो ही नहीं पाऊंगा। करेक्ट, ये बात तो है, और आपका अभी टेम्प्रेरी लास्ट सवाल है,
टेम्प्रेरी गोल क्या है इन द अपकमिंग वन ईयर? आप क्या सोच के बैठे हो, आपको करना क्या है बेसिकली, मतलब डे टू डे लाइफ में, मतलब ई स्पोर्ट हो गया, कंटेंट मेरे को ऐसे करना है, ये चीज़ें करनी है, ये गोल सेट है, वो गोल सेट है, फलाना गोल सेट है, स्ट्रीमिंग करनी है साथ में और खेलना है स्पोर्ट्स साथ में, क्योंकि स्ट्रीमिंग भी जरूरी है क्योंकि हम सैलरी बेस तो है नहीं, तो हमें अभी अपना चलाना है, पेट भी भरना है, पेट भी भरना है और ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं, तो सभी मेंटेन करनी है। सो गाइस रात के 4:30 बज चुके हैं एंड अभी हम लोग घर पे पहुंचे हैं एंड आज का दिन बहुत ही अमेजिंग था। एस ए 12 का शूट जब भी होता है हमेशा बहुत ही अमेजिंग डे जाता है, सब लोगों से मिलने का मौका मिलता है एंड शूट की वजह से मजे भी बहुत सारे आते हैं। एंड यस आई होप आप लोगों को ये जो मैंने सीरीज लाया है मैंने ब्लॉग के लिए आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड नेक्स्ट हम जो फीचर करेंगे इस सीरीज में चाय पे चर्चा विल बी फीचरिंग जोकर की हवेली, मैंने सोचा है। तो आप लोगों के जो भी सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, जोकर से जो भी आप लोग पूछना चाहते हो उनमें से मैं 5-6 उठाऊंगा एंड अगले इसी सीरीज के व्लॉग में हम जो है आपको मेंशन करके आपका सवाल उससे हम पूछेंगे। आई नो इस बार जो है मैंने अपनी तरफ से मैंने सवाल ऐड करे थे, सवाल सारे मैंने पूछे थे रेगा से, चर्चा जो हमने करी वो रेगा से अपनी तरफ से करा था, आपके पर्सपेक्टिव से सोचा जो आप लोग पूछना चाहते होगे मैंने वही मोस्टली पूछा मैंने, क्योंकि आप लोगों को जर्नी एंड ऑल तो पता था, जो करेंटली जो उस चीज़ हो रही है उस पर चर्चा करने के लिए मैंने आप लोगों के पर्सपेक्टिव से चीज़ें सोची एंड होप आई होप मैंने मोस्टली कवर कर लिया हो। अगर आप लोगों का और कोई सवाल था तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में, और अगर मैंने अच्छे से उसको कवर कर लिया है तो ज़रूर से प्यार देना कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। एंड यस इसी तरीके से हम चीज़ें लाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ब्लॉग नहीं लाएंगे, नॉर्मल ब्लॉग भी लाएंगे, कंटेंट आईआरएल पीसेस भी लाएंगे एंड ये ब्लॉग भी, ये वाली सीरीज भी हम कुछ कुछ दिन पर लाते रहेंगे। सो यस प्यार देना, बताना कैसा लगा एंड आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, जोकर के लिए सवाल ज़रूर डालना, आप लोगों के कमेंट से हम पिक करेंगे, ठीक है। Until then बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, मम्मी पापा को अपने बहुत सारा प्यार देना, अपने भाई बहनों को बहुत सारा प्यार देना एंड जो आपके दोस्त हैं उनको कभी मत छोड़ना, उनको अपने करीब रखना, ठीक है। लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर गाइस, गुड बाय गाइस।